हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द पीएच ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय पीएच पार्टीशन थियरी, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, हेंडरसन हेसलबैग इक्वेशन, नॉइज वाइटनी इक्वेशन। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये, पीएच ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो इसके लिए होता है हेंडरसन हेसलबैग इक्वेशन, ऑप्शन सी। ये नॉइज वाइटनी इक्वेशन किसके लिए है? तो डिजोल्यूशन रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नॉइज वाइटनी इक्वेशन। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड बफर मेजरमेंट के लिए हेंडरसन हेसलबैग इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The pH of a solution of HCl is 4. This shows that molarity of the solution is. Molarity कितनी होगी? अगर pH 4 है तो हमें pH कितना दिया है? 4 दिया है। pH क्या होता है? तो माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। pH कितना दिया है ये? तो 4 दिया है। हमें क्या निकालना है? तो मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होती है? तो जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वही होती है आपकी मोलारिटी। तो यहाँ पे हमें ये H प्लस का वैल्यू निकालना है। तो ये H प्लस हो जाएगा माइनस लॉग 4। तो अगर लॉग हटाया तो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 हो जाएगा। एंड 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 कितना होता है? तो 0.0001। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 होता है 0.0001। तो यही हो जाएगी आपकी मोलारिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइट इज। सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा? तो ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, सोडियम डाइसल्फाइट, देन सोडियम पायरोसल्फाइट, ये सभी एक ही है। क्या होगा इनका मॉलिकुलर फार्मूला? तो Na2S2O5। कौन से ऑप्शन में दिया है Na2S2O5? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड क्या होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट? तो इसे यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। देन इसे इंजेक्शंस में भी यूज करते हैं एज ए स्टेबिलाइजर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम परमैंगनेट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिफाइंग एजेंट, अल्कलाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट? KNMO4 क्या होगा? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑप्शन डी। देन इसका यूज करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रेंट ऑल्सो। देन ये एंटीसेप्टिक भी होता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरिक एसिड इज वीक एसिड, स्ट्रांग एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो बोरिक एसिड क्या होता है? तो वीक एसिड होता है ना, ऑप्शन ए। फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3 बोरिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन बोरेट। देन इसका यूज क्या है? तो ये एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होता है। देन इसे यूज करते हैं एज ए बफरिंग एजेंट टू कंट्रोल pH। देन इस पर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच बफरिंग एजेंट इज यूज इन डार्क सोल्यूशन? तो ये भी होता है बोरिक एसिड। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर। क्या होता है एसिड अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी? तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी एसिड्स होते हैं प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर होते हैं एसिड। एंड बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो एसिड क्या होता है? तो एसिड प्रोटॉन डोनर। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है। देन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं लेविस बेस। लेविस बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एंड अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी एसिड होते हैं प्रोटॉन डोनर, बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूरिएटिक एसिड इज द सिनोनिम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है म्यूरिएटिक एसिड? तो ये HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एजेंट इज द एग्जांपल ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रेंट कैटेगरी? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि
किसका यूज़ करते हैं? एज ए डिसइंफेक्टेंट एंड डिओड्रंट, जिसका यूरिथराइटिस में भी यूज़ करते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिथराइटिस इसका यूज़ करते हैं। किसके बारे में देखा था? तो KMnO4 के बारे में देखा था ना, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है ये? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला फॉर टैल्क क्या है? टैल्क का केमिकल फार्मूला तो किस में यूज़ करते हैं टैल्क का? तो डस्टिंग पाउडर में यूज़ करते हैं ना टैल्क का। देन इसे एज ए लुब्रिकंट टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं, एज ए लुब्रिकंट। यह डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट होता है टैल्क। ठीक है, क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला? तो ये हो जाएगा Mg3SiO4O10OH2। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, Mg3SiO4O10OH2। देन आपको कई बार ऑप्शन में 3MgO4SiO2H2O, 3MgO4SiO2H2O ये भी मिलेगा ऑप्शन में, या तो ये होगा नहीं तो ये दिया होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ दी बफरिंग एजेंट इन डार्क सॉल्यूशन? तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, कौन सा देखा था हमने बफरिंग एजेंट यूज्ड इन डार्क सॉल्यूशन? तो H3BO3 हाइड्रोजन बोरेट होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बोरिक एसिड। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, इसका यूज करते हैं एज ए बफरिंग एजेंट टू कंट्रोल pH। ठीक है, देन ये होता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुकेट एसिड, वीक कॉन्जुकेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट एसिड। ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज, तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है वीक कॉन्जुकेट बेस, एंड अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट बेस होता है। तो क्या दिया है ऑप्शन में? तो वीक कॉन्जुकेट एसिड, वीक कॉन्जुकेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट एसिड। तो ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुकेट बेस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुकेट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज लैक्सेटिव? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका यूज करते हैं एज ए लैक्सेटिव? तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो ये सिस्टमिक एंटासिड होता है ना, हमने एंटासिड टॉपिक में देखा था। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, ये होते हैं सिस्टमिक एंटासिड्स। लैक्सेटिव क्या होता है? तो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है ना लैक्सेटिव, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रोशेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एंड इसका यूज करते हैं एज ए लैक्सेटिव। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो ये कॉस्टिक सोडा होता है ना, कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइमेथिकॉन इज द अदर नेम ऑफ कैलामाइन, टिटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑयल, जिंक स्टीरेट। डाइमेथिकॉन क्या होता है? डाइमेथिकॉन, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉली डाइमिथाइल सिलोक्जेन। पॉली डाइमिथाइल सिलोक्जेन होता है डाइमेथिकॉन, ये एक सिलिकॉन कंपाउंड होता है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डाइमेथिकॉन इज द अदर नेम ऑफ सिलिकॉन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द एब्जॉर्बेबल एंटासिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। एब्जॉर्बेबल एंटासिड, तो ये एब्जॉर्बेबल एंटासिड क्या होता है? तो ये सिस्टमिक एंटासिड होता है, सिस्टमिक एंटासिड। क्या देखा था हमने सिस्टमिक एंटासिड्स में? तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है सिस्टमिक एंटासिड, एब्जॉर्बेबल एंटासिड। ठीक है, देन इसे और क्या बोला जाता है? तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है, एंड एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉजेस कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं डायरिया। देन कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है, क्या कॉज कराता है ये? तो मिल्क अल्कली सिंड्रोम कॉज कराता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सम सॉल्ट इज, तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या होता है इप्सम सॉल्ट? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट का सिनोनिम होता है इप्सम सॉल्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है ये?
तो ये ऑस्मोटिक पर्गेटिव होता है। एंड कैल्शियम सल्फेट क्या है, तो ये जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये स्लेक्ट लाइम होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट इज यूज टू प्रिवेंट सनबर्न, किसका यूज़ करेंगे टू प्रिवेंट सनबर्न, टिटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक स्टीरेट, कैलामाइन, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। तो सनस्क्रीन्स में एंड लोशंस में यूज करते हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड का टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओपेसिफाइंग एजेंट यूज इन सनस्क्रीन होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, तो इसे यूज करते हैं एज ए डेंटल सीमेंट, डेंटल सीमेंट होता है जिंक ऑक्साइड। देन जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है कैलामाइन लोशन। देन जिंक स्टीरेट क्या होता है, तो ये एस्ट्रिंजेंट होता है, लुब्रिकेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड यूज्ड इन डायरिया, सोडियम नाइट्रेट, एक्टिवेटेड चारकोल, सोडियम थियोसल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कंपाउंड यूज्ड इन डायरिया, तो डायरिया में यूज करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल का, ऑप्शन बी, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है इसलिए इसे यूज करते हैं डायरिया में। देन ये एंटीडोट भी होता है, ये एंटीडोट भी होता है ना एक्टिवेटेड चारकोल। ये सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का यूज़ किस में करते हैं, तो साइनाइड पॉइजनिंग में करते हैं ना, साइनाइड पॉइजनिंग में इनका यूज करते हैं एज एन एंटीडोट। देन अमोनियम क्लोराइड क्या है, तो ये सिस्टेमिक एसिडिफायर होता है, सिस्टेमिक एसिडिफायर होता है एंड इसका यूज करते हैं एज एन एक्सपेक्टोरेंट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला, तो क्या होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें दो पी होते हैं, देन पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, देन ओ एच, ओ एच, ओ एच एंड ओ एच, ये होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो दो पी, ओ कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 O, एच कितने हैं, 1 2 3 4, एच फोर कौन से ऑप्शन में है, तो H4P2O6, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सिस्टमिक एसिडिफायर, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, सिस्टमिक एसिडिफायर। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना सिस्टमिक एसिडिफायर, अमोनियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस किया था, ये एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये अमोनियम क्लोराइड होता है सिस्टेमिक एसिडिफायर, ये सिस्टेमिक एसिडिटी को इंक्रीज कराता है। अमोनियम क्लोराइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों होते हैं सिस्टेमिक एसिडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलामाइन इज, तो ऑप्शन सी मत देखो, क्या होता है कैलामाइन, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये होता है जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, 2% फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, 98% जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ये कैलामाइन लोशन एंटीसेप्टिक होता है, एंटी प्रोराइटिक होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है, कौन से ऑप्शन में है, तो बेसिक जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली रिलेटेड टू, गाबा पाबा काबा लाबा, सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली रिलेटेड टू, क्या होते हैं सल्फोनामाइड्स, तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट टू का क्वेश्चन आ गया है। तो हमने देखा था ना सल्फोनामाइड्स आर कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ये होते हैं स्ट्रक्चरल एनालॉग एंड कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ पाबा, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना ये इनिबिट कराते हैं डायहाइड्रोटेरॉइड सिंथेटेज को, सल्फोनामाइड इनिबिट्स डायहाइड्रोटेरॉइड सिंथेटेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आईपी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक कंटेंट्स, क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड आईपी में, 100% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 50% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 75% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आईपी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक कंटेंट्स, तो इसमें 6% वेट बाय वॉल्यूम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 6% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एग्जाम्पल फॉर ऑस्मोटिक परगेटिव, मैग्नीशियम सल्फेट, लिक्विड पैराफिन, फिनॉक्थेलिन, कैस्टर ऑयल। ऑस्मोटिक परगेटिव, तो ऑस्मोटिक परगेटिव मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या आता है ऑस्मोटिक परगेटिव्स में, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इप्सम सॉल्ट, देन इसमें आता है रोशेल सॉल्ट, रोशेल सॉल्ट भी होता है ऑस्मोटिक परगेटिव, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है ना रोशेल सॉल्ट, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, सोडियम सल्फेट आएगा, देन लैक्टुलूज आता है, ये सभी होते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स। लिक्विड पैराफिन क्या होता है, तो ये स्टूल सॉफ्टनर होता है ना, लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, डॉकूसेट्स भी आते हैं इसमें, स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं। फिनॉफ्थेलिन क्या होता है, तो ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है, फिनॉफ्थेलिन, कास्कारा, देन सेना, देन इसमें कैस्टर ऑयल भी आता है, देन और क्या आएगा, तो सोडियम पिकोसल्फेट भी आता है इसमें, ये होते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है लैक्सेटिव्स के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुगॉल्स सॉल्यूशन इज, क्या होता है लुगॉल्स सॉल्यूशन, तो ये होता है 5% आयोडीन, 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो 2.5%, 2.5%, 10%, 6%, 5%, 10%। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 5% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 10% वेट पर वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर होता है आपका लुगॉल्स सॉल्यूशन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, सोडियम नाइट्राइट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो जो सोडियम नाइट्राइट होता है, सोडियम नाइट्राइट, इसकी होती है ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम नाइट्राइट हैज़ ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, हमने देखा था ना साइनोइड पॉइजनिंग में इसका यूज करते हैं। देन कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो इसका डेंटिफ्रिसेस में यूज करते हैं ना, डेंटिफ्रिसेस में यूज करते हैं, ये एब्रेसिव एजेंट होता है, एब्रेसिव एजेंट होता है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉस्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सल्फेट, तो ग्लोबर सॉल्ट होता है ना, ग्लोबर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टमिक एंटासिड इज, तो अभी ऑप्शन ही नहीं देखने हैं, क्या होता है सिस्टमिक एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, क्या दिया है ऑप्शंस में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टमिक एंटासिड होता है, एब्जॉर्बेबल एंटासिड होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कभी कभी क्वेश्चन में सिस्टमिक एंटासिड देते हैं, कभी कभी एब्जॉर्बेबल एंटासिड के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट इज बीइंग यूज्ड एज पेन किलर, पॉलिशिंग एजेंट, वाइटनिंग एजेंट, एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश। ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट, तो ये जो जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, इसे यूज करते हैं एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ये होता है एस्ट्रिंजेंट माउथ वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। एलम किससे प्रिपेयर करते हैं एलम को, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे केमिकली एलम इज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, क्या होता है केमिकली एलम, तो ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है ना, केमिकली एलम इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, KaLSO4 2 12H2O, सो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। किसमें यूज करते हैं एलम का, तो ये एस्ट्रिंजेंट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड ग्लिसरीन इज एडेड टू बोरिक एसिड टू, डिजॉल्व बोरिक एसिड, इंक्रीज बेसिसिटी, इंक्रीज एसिडिटी, डिक्रीज एसिडिटी, क्यों ऐड किया जाता है ग्लिसरीन को बोरिक एसिड में, इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड, तो ये जो बोरिक एसिड होता है क्या होता है ये, तो ये वीक एसिड होता है ना, एंड जब हम इसमें ग्लिसरीन को ऐड करते हैं तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, इंक्रीज एसिडिटी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लिसरीन को ऐड किया जाता है बोरिक एसिड में टू इंक्रीज एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड क्या है,
तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है ना, INH आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। क्या होता है इसका IUPAC नेम? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, तो पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है ना, पायरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है ये। तो ये हो गई पायरिडिन रिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इसमें 4 नंबर पे कार्बोहाइड्राजाइड ग्रुप होता है NH, NH2। ये हो गई पायरिडिन रिंग एंड 4 नंबर पे कार्बोहाइड्राजाइड है। ऑप्शंस में क्या दिया है? तो पायरिडिन सब में है, 4 नंबर पे कार्बोहाइड्राजाइड ग्रुप, तो 4 कार्बोहाइड्राजाइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पायरिडिन 4 कार्बोहाइड्राजाइड होता है। IUPAC नेम ऑफ आइसोनियाजाइड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड INH। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।